तो मेरे पास हर एक दिन मेरे वीडियोस में सीजीएल 2022 के वीडियोस में हर एक दिन ऐसा कमेंट्स आ रहा है कि सर सीजी अकाउंटेंट मिला है मुझे पता नहीं कैसा होता है, सीजीए मिला है मुझे पता नहीं कैसा होता है, पीए से मुझे पता है बुरा होता है, मुझे चाहिए नहीं था लेकिन मुझे मिल गया है। तो क्या आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो? पहली बात जो है, बहुत लोग मुझे बता रहे हो कि सीएजी अकाउंटेंट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। मेरा इस चैनल में, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा इस चैनल में सीएजी अकाउंटेंट का बहुत अच्छा नाम है। मे बी आई हैव माई चैनल इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू चैनल जहाँ पे सी ए जी अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल आपको एकदम डिटेल में मिलेगा। मैं आई बटन में वो वीडियो शेयर कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के देखने के बाद वो जाके देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस साल जो जो पोस्ट सिलेक्टेड हुए उस पोस्ट में सबसे खास जो पोस्ट है, सबसे ज़्यादा लोगों को मिला है, उसका जॉब प्रोफाइल का कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाला हूं। तो पहली बात करते हैं, जो सबसे पहले आता है वो है सी ए जी अकाउंटेंट का। मैंने अपने वीडियो में बताया था लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, सी ए जी अकाउंटेंट का वर्क प्रोफाइल होता है स्टेट गवर्नमेंट जितना एम्प्लॉयज है उसका सारे पेपर्स हैंडलिंग, पेंशन, जीपीएफ और अकाउंट्स, ये सब हैंडलिंग उन लोगों का काम है। जो भी स्टेट में आपको सी ए जी अकाउंटेंट मिलेगा आपका काम यही होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जितना एम्प्लॉयज है उन लोगों का पेपर हैंडलिंग। अगर पेंशन में आपका पोस्टिंग मिले तो पेंशन पेपर्स, अगर जीपीएफ में पोस्टिंग मिले तो जीपीएफ पेपर्स, अकाउंट्स में मिले तो अकाउंट्स पेपर्स। ये हो गया सी ए जी अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल का भी काफ़ी खास है, क्योंकि वर्कलोड उतना ज़्यादा है नहीं, वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा वर्कलोड है नहीं, बट धीरे धीरे आऊँगा मैं। ये है काम। अब प्रोमोशंस पहले जो था 3 साल में 4200 पहले था, लेकिन अभी जो हो गया है सैंक्शन स्ट्रेंथ घटा दिया है सीएजी का हेडक्वार्टर्स, तो अभी मुझे जो लगता है 7-8 साल लग जाएगा, वरना डायरेक्ट आपको एमएससीपी मिलेगा। प्रोमोशन पूरा बंद हो गया है इन अकाउंटेंट कैडर, अकाउंटेंट कैडर में प्रोमोशंस इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड, कोई भी प्रोमोशंस का चांस नहीं है। हम लोग बहुत सारे लोग जो 5-6-7 साल हो गए ज्वाइन किए, उन लोगों को भी नहीं मिला है। उन लोगों को वैसे भी 4200 का ग्रेड पे में सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन प्रमोशंस नहीं हुआ है। अब जो बोनस टिप जानना है वो है, जो हम लोग सुन पा रहे हैं कि सीनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट है, जो पहले 4200 था तो डायरेक्ट वो 4600 हो जा रहा है। अगर 4600 हो जाए तो 2800 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेड पे आपका प्रमोशन होगा वो डायरेक्ट 4600 होगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और सी ए जी अकाउंटेंट में क्या होता है, अंटिल यू बिकम डबल ओ आपका कोई टूरिंग्स नहीं है, टूरिंग्स नो टूरिंग। और सबसे ज़्यादा अच्छा बात जो है, सी ए जी अकाउंटेंट में स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन हो जाता है, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, जिसके लिए आपको ज़्यादा फेवर मिलता है। किसी का कोई गेस्ट हाउस हो गया, किसी का कोई बंगलो हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, लोगों का बंगलो बहुत अच्छा होता है तो वो मिल जाता है। मुझे मिलता नहीं है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है। अगर मैं बोलता हूँ तो बुकिंग हो जाता है, पैसा वैसा सब देना पड़ता है वो दूसरी बात है, लेकिन हो जाता है, और वो जगह काफ़ी खास है। तो दिस इज द रिलेशनशिप दैट यू दे, दिस पोस्ट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोप फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग का पर्सनैलिटी है, ये पोस्ट में जाओ, टूरिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, और हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होता है हर एक टाइम, कोई डिविजन में नहीं होता है, ठीक है। ये है सी ए जी अकाउंटेंट का पोस्टिंग। बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो लग रहा है क्या होगा, मेरा आई बटन में डिटेल में है, वो देख सकते हो। अब आते हैं सी ए जी ऑडिटर। ऑडिटर का काम है स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी बॉडी है, ये एम्प्लॉयज के साथ काम है सी ए जी अकाउंटेंट का, और सी ए जी ऑडिटर्स का एम्प्लॉयर्स के साथ काम है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है उसका ऑडिट करना है, ऑडिट हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब क्या है, किसी का कोल डिपार्टमेंट, किसी का साइंटिफिक, किसी का मिनरल, किसी का वाटर, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे ऑडिट वॉडिट करना पड़ता है। ये है जॉब प्रोफाइल। इसका भी पहले प्रमोशंस में यह था 3 साल में 4200, लेकिन अभी ये भी बंद हो गया है। अच्छा, सी ए जी अकाउंटेंट, सी ए जी ऑडिटर दोनों के लिए प्रमोशंस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तो एमएससीपी सिर्फ एकमात्र होप है फॉर नेक्स्ट ग्रेड पे प्रमोशन। और अगर आप एसएएस देते हो 3 साल के बाद, 3 ईयर्स इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएएस इन बोथ अकाउंटेंट एंड ऑडिट कैडर। अगर एसएएस देते हो तो आपको करीबन 5-6 साल वेट करना पड़ेगा फॉर अ पोस्टिंग। पहले जो होता था एडॉक मिलता था, लेकिन अभी एडॉक भी बंद हो गया है इन बोथ द कैडर्स, एडॉक भी बंद हो गया है। केस वेस हुआ था, कभी बाद में बात करेंगे, उस केस की वजह से एडॉक पूरा बंद हो गया। तो एडॉक बंद हो गया है, एसएस दोगे फिर भी 6-7 साल, मतलब दोनों ही ग्रेड में आपको क्या होगा कि ज्वाइनिंग के बाद 4-8 साल आपको वेटिंग करना ही पड़ेगा।
अगर वेट नहीं करना चाहते तो यू कैन गिव सीजीएल अगेन एंड गो फॉर 4800 डायरेक्ट WO रिक्रूट पोस्ट, बट वो आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगा। और ये है प्रोशन स्कैडर, पूरा स्टक हो गया है सीएजी में। बोनस टिप ये है, यहाँ पे टूर्स है, टूर्स में जाना पड़ेगा। अगर टूर्स में जाओगे तो हर एक लोगों को नहीं जाना पड़ता है, कुछ खास लोगों को ही जो डिपार्टमेंट में पोस्टेड है उस खास लोगों को टूर्स में जाना पड़ता है, लेकिन टूर में जाने के लिए TADA भी मिलता है, तो दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के साथ रिलेशनशिप होता है इफ यू कैन, बट कोई ज्यादा दोस्ती नहीं करना पड़ता क्योंकि फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो वैसा टाइप का होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फंड्स ज्यादातर ऑडिट विंग में ज्यादातर सैंक्शन होता है फॉर सीएजी, तो एसी वेसी नया कूलर्स वूलर्स सब यहाँ पे आप पहले लगता है। आपको जानने में ये हैरानी होगी कि सीएजी अकाउंटेंट बॉडी में वेस्ट बंगाल में जो ऑफिस है वहाँ पे मैक्सिमम सेक्शंस में एसी नहीं है, अभी तक कोई एसी नहीं है, हम लोग टेबल पंखा से काम चलाते हैं, वेयर एज इन ऑडिट विंग सब जगह में एसी है, हर एक जगह में एसी है, तो दैट्स अ बिग बून। अब जो बोनस टिप ये होना चाहिए कि इस साल सीएजी में कोलकाता में वैकेंसी तो है नहीं, तो ऑडिट में ही आना पड़ेगा। ऑडिट में आओगे तो यू विल हैव अ गुड पोस्टिंग लाइफ टाइम, दिस टू पोस्ट मे बी द ओनली पोस्ट इन सीजीएल जहां पे लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है अंटिल यू रीच द ग्रेड ऑफ WO और सीनियर हो। डिविजनल अकाउंटेंट, यहाँ पे डिविजन का काम देखना पड़ता है, डिविजन वर्क, और यहाँ पे आप चीफ होते हो, चीफ होते हो, आपका साइनिंग अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, या 4200 ग्रेड पे पोस्ट है, दैट मींस इन द ग्रेड पे ऑफ सीनियर अकाउंटेंट, बट काम बहुत ज्यादा है, वर्कलोड इज वेरी हाई एंड हाईली सेंसिटिव ऑल्सो। प्रमोशंस में इन लोगों का 5 साल के बाद बाद प्रमोशंस है ऑटोमेटिकली, तो नेक्स्ट ग्रेड पे 4600 में चले जाओगे, उसके बाद में अब 5 साल में DAO बन जाओगे जो 4800 ग्रेड पे है, डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ये बन जाओगे। डिवीजन में काम बहुत ज़्यादा है इसीलिए प्रमोशन बहुत फास्ट है, लेकिन इसका जो बोनस टिप है, 3 इयर्स ऑफिस ट्रांसफर होगा, 5 इयर्स बाद बाद जोन ट्रांसफर होगा, मतलब अगर आपको वेस्ट बंगाल में मिले तो पकड़ लो फर्स्ट 3 इयर्स आपको मालदा में मिले, मालदा में 3 इयर्स काम करने के बाद आपको मालदा में ही ऑफिस चेंज कर दिया जाएगा, पकड़ लो पहले आप फिशरीज में काम कर रहे थे मालदा फिशरीज डिपार्टमेंट, अब आपको लैंड रिफॉर्म्स में भेज दिया जाएगा, और 5 साल हो जाने के बाद एक जगह में आपको मालदा से कुछ बिहार या डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा। तो इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर है, यहाँ पे आप SS दे सकते हो और आपको DAO मिल जाएगा, ये संग संग ही मिल जाता है, यहाँ पे कोई वेटिंग का कुछ नहीं है, इसीलिए डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट इतना खास है क्योंकि सैलरी भी हाई है और वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं CGA अकाउंटेंट में, CGA अकाउंटेंट में काम है जो अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, ये सब का जो सैलरी पे बिल जो देखता है, जो पे बिल डिपार्टमेंट में है इन लोगों का, वो लेता है CGA अकाउंटेंट, वो सब जगह में CGA अकाउंटेंट का पोस्टिंग होता है। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि CGA अकाउंटेंट का ज्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में होता है, मुझे वो ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इसका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो वैसा ही था 3 इयर्स में 42 ग्रेड पे, बट ये भी स्टक हो गया है, और यहाँ पे SS भी ठीक ठाक टाइम में नहीं होता है। और बोनस टिप में मैं ये बोल सकता हूँ कि CGA अकाउंटेंट में भी द ओनली पोस्ट जहाँ पे रैंडम एलोकेशन होता है, एक्चुअली नॉट द ओनली पोस्ट, आप CGDA में भी द सेम थिंग गोज ऑन, रैंडम एलोकेशन होता है, आप वेस्ट बंगाल से हो, आपका रैंक 2-3 है CGA में, फिर भी आपको शिलोंग या मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल प्रदेश जाओगे या साउथ में चेन्नई तमिलनाडु ये सब मिल सकता है, तो ये रैंडम पोस्टिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑफिस ट्रांसफर होता है, लोकेशन ट्रांसफर नहीं होता है, पहले इनकम टैक्स के एक बिल्डिंग ए में काम करते थे, अब बिल्डिंग बी में काम करोगे और इनकम टैक्स का ही लोगों का पे बिल आप करते रहोगे, तो ये ज्यादा एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग पोस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर इट दैट मच, और इस साल ज्यादा वैकेंसी भी नहीं था। CGA अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, CAG ऑडिट, CAG अकाउंटेंट, सबका एक डिटेल वीडियो है, मेरा जॉब प्रोफाइल आई बटन में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। अब आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए बहुत मारकाट मचा हुआ है इस साल, वो है TACBDT और PASA। अभी तक वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है लाइक कर देना। PASA पहले बात करते हैं, एक्चुअली TACBDT पहले बात करते हैं क्योंकि बहुत लोग प्रेफर करते हैं TACBDT रेदर देन पहले तो ये इसका कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ है। TACBDT में वर्क प्रोफाइल है, टैक्स पेपर्स आपका हैंडलिंग करता है,
पेपर वर्क है, पेपर वर्क है ज्यादा, उतना काम का वर्कलोड नहीं है। प्रोमोशन इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, यहाँ पे 10 साल का आरआर आना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स का जो एम्प्लॉय फेडरेशन है ITF वो लाने नहीं दे रहा है। सो दैट्स वाई अगर आप ठीक ठाक करोगे तो थ्री ईयर्स में अभी भी 4200 हो रहा है और शायद 6 साल में 4600 हो जा रहा है फ्रॉम TA। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोमोशनल थिंग। इन लोगों का मैं यहाँ पे बोनस ट्रिप में क्यों मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर TA CBDT ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बात जो जरूर जान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी यूनियन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो इनकम टैक्स का है, ITF। ITF इज द इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन या फोरम क्या कुछ नाम है, जहाँ पे CBIC में ऑलरेडी 10 साल का रूल लागू हो गया है, फिर भी ये लोग प्रोटेस्ट करके करके अभी तक लोगों को प्रमोशंस मिल रहा है 3 साल 4 साल 6 साल में 4600 ग्रेड पे फ्रॉम 2400 ग्रेड पे। दैट्स अ वेरी 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 बिग थिंग, यू मस्ट नो। और इसका जो बोनस टिप होगा वो है, ये भी जोनल ट्रांसफर्स होता है। ये पॉइंट मुझे पता नहीं था, एक दिल्ली में एक TA में काम करते एक बंदा मुझे मैसेज किया था, उससे पता चला जोनल ट्रांसफर। जैसे कि पकड़ लो आपका हरियाणा जोन में मिलता है, तो हरियाणा में जो जो जोन्स है सब जगह में आपको 3 ईयर्स बाद बाद ट्रांसफर होगा, 3 ईयर्स प्लस ट्रांसफर होगा। सिमिलरली अगर कोलकाता जोन मिलता है तो कोलकाता में कोलकाता शिलीगुड़ी और अंडमान निकोबार शायद, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर होगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है, कोलकाता में हायर अथॉरिटी मतलब STA या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसे लोगों को ज़्यादा पोस्टिंग मिलता है, TA लोगों को अंडमान भेजता है, लेकिन वो 3 साल बोलते हैं, 5 साल बाद बाद भी होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। दिस इज द 2400 ग्रेड पे, बट फिर भी यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया TA CBDT। अब PASA में आते, PASA का काम सबको पता है, पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट। बहुत लोग मुझे बता रहे हैं कि सर मुझे पोस्टल नहीं चाहिए, मुझे सॉर्टिंग चाहिए, कैसे मिलेगा? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये हेडक्वार्टर्स के हाथ में है कौन सी जोन तुम्हें मिलेगा, फिर जोन के हेडक्वार्टर्स के हाथ में है कौन सी पोस्ट तुम्हें दिया हुआ जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हें सॉर्टिंग चाहिए, मुझे पोस्टल चाहिए तो मुझे जो चाहिए वैसे ही मिलेगा, जैसे वो लोग रैंडमली देगा वैसे ही मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू है पोस्टिंग को लेके बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है कि मेरा रीजन में मेरा मार्क्स का मेरा रैंक का ये है तो क्या मुझे ये मिल सकता है। प्रोमोशंस उसके बाद पोस्टिंग के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ, और प्रोमोशंस के बारे में जो पॉइंट है यहाँ पे करीबन नो प्रोमोशंस, MSCP है सिर्फ यहाँ पे, जैसे CAG में है, मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे भी स्टक हो गया है CAG अकाउंटेंट ऑडिटर और PASA सबका स्टक है। तो MSCP में नेक्स्ट में है 4200। अब बहुत लोग बोल सकते हो कि सर प्रमोशन भी नहीं है, सैटरडे वर्किंग है, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे सैटरडे वर्किंग है। यहाँ पे जो अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो दिस इज द ओनली पोस्टिंग 2400 जहाँ पे आपको नियरेस्ट टू होम लोकेशन मिल सकता है, मतलब साउथ कलकत्ता में आपका घर है तो साउथ में ही मिल सकता है कोई पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में 2-3 साल अंतर ट्रांसफर होता है, बट वो भी जोनल नहीं, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस, मतलब अगर जादवपुर में हो जादवपुर से निवालीपुर ऐसा करके लोग, अगर कोई लोकेशन बेसिस में होता है तो मतलब साउथ दिल्ली में कोई अगर कुछ जगह है जैसे जानकपुरी के आसपास जो पोस्ट ऑफिस में है वहां पे ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज है मैं जो बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 50K+ सैलरी है, घर में रहने का चांसेस है, सैटरडे वर्किंग है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा CGL फिर से दो। आपको 2400 मिल गया है, आपका एक फुट होल्ड मिल गया है, सैलरी अच्छा आएगा अराउंड 50K, घर में अगर देना नहीं पड़ेगा तो पूरा ही आपके पास जमा हो जाएगा। दिस इज मच बेटर देन 1800 MTS और क्लार्क और ये सब पोस्ट जो CHSL से मिलता है, LDC, FLDC ये सब पोस्ट से बहुत अच्छा है। PASA आपको मिल गया घर के नज़दीक, आप आ गए हो, अब आप पढ़ाई करो। बहुत लोग बोलते कि सर इसके बाद पढ़ाई कैसे होता है, मैं खुद बैंक में नौकरी करता था उसके साथ साथ मैंने 2 बार CGL क्वालिफाई किया है, तो ऐसा एक्सक्यूज़ कभी मत देना कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका भूख है तो आप CGL फिर से दोगे और फिर से बहुत अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगा 4600 ग्रेड पे का। अभी बहुत लोगों का ये मानना है कि सर छुट्टी वुट्टी का क्या है, देखो छुट्टी सभी का ही एक है, एक्सेप्शन इज द डिविजनल अकाउंटेंट, क्योंकि ये चीफ है ऑफिस का तो ये इसका ज़्यादा छुट्टी देना नहीं पड़ता है, अटेंडेंस रजिस्टर करीबन इनके पास ही रहता है, तो ये अगर मुझे जितना सुनने को मिला है ये हफ्ते में दो तीन दिन भी जाए तो बहुत अच्छा है, और ये इसका चीफ अथॉरिटी है वहाँ पे। वेयर एज बाकी सब ने छुट्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 CL मिलता है, 30 EL मिलता है और 30 मेडिकल मिलता है, दैट्स एनफ, प्लस द पब्लिक हॉलीडेज एंड ऑल। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। बोनस टिप में मैं ये बताना चाहता हूँ, वी आर करीब एंडिंग दिस वीडियो, इन अ कंक्लूशन नोट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको PSA मिल रहा है, मिल गया है इस साल, तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को PSA ही ज़्यादातर लोगों को मिला है। आप ठीक से दो, CGL के लिए प्रिपेयर करो नेक्स्ट साल, क्योंकि CGL में मिलने का चांसेस बहुत अच्छा है। आपको जॉब मिल गया है, आप हो गए वहाँ पे, अब धीरे धीरे प्रमोशंस देते रहो। ऐसा मत करो कि मुझे यही चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। आपको एक पोस्ट मिल गया है, आप CGL 23 बहुत अच्छे से दो ताकि आपको 4600 ग्रेड पे मिल जाए। I hope I have cleared all the doubts regarding the job profiles, especially in CAG accountant and auditor post. Auditor post या accountant post के लिए अगर फिर भी कोई query है, नीचे comment करो। मेरा जो videos है library, वहाँ जाके देखो। I button में job profile playlist है, I button में home posting का playlist है, I button में जितने भी post है CGL 2022, वो जितना भी short videos है मैंने I button में share कर दिया है, और बहुत सारे है मेरे library, देखते रहो। Video अच्छा लगे तो like करो, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। एंड एट द एंड, जो भी पोस्ट तुम्हें मिला है, यू हैव गॉट द बेस्ट थिंग दैट यू डिजर्व। नाउ मेक योरसेल्फ मच मोर केपेबल सो दैट यू डिजर्व मोर इन द नेक्स्ट ईयर। दिस इज प्रत्यय साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग मीड फॉर SSC।